कंपनी चैप्टर। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग कंपनी? एक कंपनी दूसरे कंपनी पे अपना कंट्रोल ले लेता है, तो जो कंपनी कंट्रोल लिया है उस कंपनी को अपना बैलेंस शीट पीएल तो बनाना ही है, खुद का बैलेंस शीट पीएल तो बनाना ही है, प्लस एक ऐसा बैलेंस शीट पीएल बनाना है जो दोनों का कंबाइंड हो। ठीक बात? अपने को वो कंबाइंड बैलेंस शीट कैसे बनेगा वो समझ। आप अनम्यूट रह सकते हो ताकि अपने इंटरेक्शन कर सके। ओके सर। तो यहां पर बात सीधा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी का कंट्रोल ले लिए तो वो अपना तो बैलेंस शीट पीएल बना ही रहे, प्लस वो एक कंबाइंड बैलेंस शीट पीएल भी बना। यही है होल्डिंग सब्सिडियरी। जो कंपनी कंट्रोल ले रहा है वो है होल्डिंग कंपनी, और जिस पे कंट्रोल है वो कहलाता है सब्सिडियरी। आपको ग्रेजुएशन लेवल, हाँ क्या बोल रहे हो सर? वो जिस पे कंट्रोल है वो, जिस पे कंट्रोल ले रहे हो सब्सिडियरी। ठीक है? यस सर। अब बात आता है किरण की, अपने को क्या बैलेंस शीट पीएल दोनों बनाना है बीकॉम लेवल पे? नहीं, अपने को सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है, कंबाइंड बैलेंस शीट। लेकिन उस कंबाइंड बैलेंस शीट के लिए हमको कुछ फिगर चाहिए। देखो किरण, प्रॉब्लम सिर्फ दो ही आइटम की है, पीएल और जनरल रिजर्व। और एक प्रॉब्लम आता है जो है आपका, कि ये जो हम दूसरा का बिजनेस एक्वायर आपका होल्ड किया है, क्या इससे मेरा गुडविल बढ़ रहा है या मेरा कैपिटल रिजर्व बढ़ रहा है, मतलब बैडविल बढ़ रहा है? हम ज्यादा दे रहे हैं, जितना देना चाहिए उससे ज्यादा दे रहे हैं, मतलब गुडविल खरीद रहे हैं। और अगर हम कम दिए और हमको ज्यादा मिला है तो कैपिटल रिजर्व। यस सर। तो अपने को एक तो ये कैपिटल रिजर्व या गुडविल कैलकुलेट करना आना चाहिए, और एक जनरल रिजर्व और पीएल दोनों का जुड़ के फाइनल फिगर क्या आएगा बैलेंस शीट में, वहां वर्किंग का जरूरत है। तो पहले माइंड में क्लियर कर लो मेन ये दो ही चीज, तीन ही चीज का वर्किंग। ठीक बात? यस सर। अब दूसरी बात पे आते हैं, बाकी आइटम का क्या होगा? तो बाकी आइटम में इक्विटी शेयर कैपिटल जो लिखेंगे ना, वो सिर्फ होल्डिंग कंपनी का ही लिखेंगे, कंबाइंड बैलेंस शीट मिला के नहीं लिखेंगे। सिर्फ होल्डिंग का खुद का कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है सिर्फ वही लिखेंगे। तो यहाँ पे आप तीन काम का बात सीखो। मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक, हमको कैपिटल रिजर्व या गुडविल कैलकुलेट करना है, वो सीखना पड़ेगा। दो, दोनों के बुक्स में ये जो कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगा वहां पे जनरल रिजर्व और पीएल कितना जाएगा वो सीखना है। तीसरा बात, बाकी आइटम का क्या हो, सबको जोड़ जोड़ के एक साथ लिख देंगे। जैसे मान लो आपका भी फर्नीचर है 2 लाख का, आप मेरी सब्सिडियरी, हम आपका होल्डिंग है, आपका भी फर्नीचर है 2 लाख का, मेरा भी फर्नीचर है 3 लाख का, तो कंबाइंड बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो जोड़ के लिख देंगे 5 लाख। आपका भी डेटर है 20,000 का, मेरा भी डेटर है 30,000 का, ऐड करके लिख देंगे 50,000। आपका भी नॉन करेंट लायबिलिटी में डिबेंचर है मान लो 50,000 का, मेरा भी डिबेंचर है 1 लाख का, जोड़ के 1.5 लाख लिख देंगे। तो बात ये है किरण कि ये कैपिटल रिजर्व गुडविल कैलकुलेट करके बैलेंस शीट में जाएगा, जनरल रिजर्व पीएल वर्किंग करके जो फिगर आएगा वो जाएगा बैलेंस शीट में, लेकिन बाकी सब आइटम को जोड़ जोड़ के बैलेंस शीट में लिख दें। यहां तक क्लियर? यस सर। लेकिन एक आइटम जिसका कोई वर्किंग भी नहीं है और जिसको जोड़ तोड़ करके भी नहीं लिखना, वो है इक्विटी शेयर कैपिटल। वो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी का ही जाएगा जब कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगी, सब्सिडियरी का नहीं ऐड होगा। क्यों नहीं ऐड होगा आप समझ जाओगे वर्किंग होते वक्त। सर मुझे शायद थोड़ा थोड़ा याद है, वो उसका ये आधा जो होल्डिंग ने ले लिया वो तो होल्डिंग में आ जाएगा और बाकी वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नहीं, आप अभी भी एक बात गौर नहीं किए, हम आपको बोला जब कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगा हाँ, वहां पे हम इक्विटी कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का ही लिखेंगे हाँ।
क्यों लिखेंगे? उसका रीजन होगा क्योंकि जो सब्सिडियरी का इक्विटी शेयर होल्डिंग के पास है उसी की मदद से वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट हुए, तो उसका एडजस्टमेंट वहां हो गया ऑलरेडी। हाँ, अब आप जो बोले वो एक और कैलकुलेशन है, वो है एमआई का कैलकुलेशन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब अगर हम आपकी कंपनी का एक लाख शेयर में 60,000 शेयर अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो बाकी 40% शेयर यानी 40,000 शेयर तो कुछ और लोगों के पास होगा। हाँ। वही लोग क्या लाएंगे? माइनॉरिटी। ठीक है। यस। तो आपने को ये कैलकुलेशन सीखनी कि जनरल रिजर्व पीएल में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व गुडविल का फिगर क्या होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फिगर क्या होगा। Yes. बाकी आइटम में ज्यादा ड्रामाबाजी नहीं है, ऐड करो और लिखो, ऐड करो और लिखो, ऐड करो और लिखो, बात करो। ठीक है। Yes. तो सर ये कैलकुलेट करने के लिए अपने को वर्किंग क्या बनाना? ये कैलकुलेट करने के लिए पहला तो ये कैलकुलेशन करना जरूरी है कि कितना परसेंटेज का मेरा होल्डिंग। एक बात और बता देते हैं, थ्योरिटिकल बात बता रहे हैं, प्रैक्टिकली काम नहीं आएगा, बट थ्योरिटिकली जान लो। एक कंपनी दूसरे कंपनी का होल्डिंग कैसे बनता है बोलो? एक तो ये सही बात इनका, हम आपकी कंपनी का अगर मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर लिए हम आपका होल्डिंग है। एक और तरीका, वो थ्योरिटिकली या प्रैक्टिकली नहीं होता, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेजोरिटी कौन बैठेगा हम डिसाइड करते हैं। आपका आप सब्सिडियरी हो मेरे, आप एक कंपनी हो, सॉरी आप एक कंपनी हो किरण लिमिटेड, हम एक कंपनी है नीरज लिमिटेड। किरण लिमिटेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन बैठेगा ये डिसाइड नीरज लिमिटेड का। तो नीरज लिमिटेड आपका क्या क्या लाएगा? होल्डिंग। लेकिन ये थ्योरिटिकली होता है, इस सब में पॉसिबल नहीं है उसको कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे आपको केवल ये 50% वाला या मोर देन 50% वाला बात ही दिमाग में रखना है। तो ये निकालना बहुत आसान है। मेरे पास आपकी कंपनी का 60,000 शेयर है, ठीक है, और आपकी कंपनी का टोटल 1,00,000 शेयर है, तो 60,000 बाई 1,00,000 कर लो, इट विल बिकम टू 1,600, इट विल कम टू 60%। तो हम आपका 60% होल्ड करें, ठीक है। yes. अब बात करते हैं ये वाला वर्किंग, जो मेरा हैंड रिटन दिख रहा होगा आपको, इसका एक yes. बार बात नहीं करेंगे, इसका एक बार बात नहीं, इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। इसका एक बार बात नहीं करेंगे, अपने बात करेंगे पहले कि अपने को निकालना जो जो चीज हम बोला था थोड़ी देर पहले वो कैसे हो। तो ये देखो, गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो कैलकुलेट होगा उस फॉर्मेट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, सीओसी से गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट हो, ठीक है। yes. ये कैसे बनेगा फिर? तो इसका वर्किंग का लिस्ट देखो, सबसे पहले बात, हम आपकी कंपनी का ये जो 60,000 शेयर ले रखा है, ठीक है, इसका फेस वैल्यू करें तो 6,00,000 वैल्यू बनता है। yes, sir. लेकिन बेटा जी ये 6,00,000 शेयर कितने रुपए में दिया? मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है? मान लो ये हम एक शेयर 15 रुपए करके लिए, मतलब हम 7,50,000 में लिया ये शेयर। yes. तो मेरा इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में 7,50,000 का है, ये मत बोलना 7,000 × 10 6,00,000 का है। सब अगर साइलेंट हो, सब अगर साइलेंट हो या बोले एट कॉस्ट ही है तब तो ठीक है, तब तो 6,00,000 ही। बात क्लियर? yes, तो पहला आइटम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर या फिर प्रिफरेंस शेयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, मेरा आप में कितना इन्वेस्टमेंट है, आपका इक्विटी और आपका प्रेफरेंस हम कितने रुपए में लेके रखे हैं, ठीक है। अब इसमें से चार चीजें माइनस हो, एक नंबर एक आपका कितना शेयर कैपिटल मेरे पास है, वो 6,00,000 जो अभी हम बोला वो, आप हमको इस इन्वेस्टमेंट के बदले क्या क्या दिए हो बेटा वो माइनस करने,
मेरा बात समझना, पहले फोकस करो ऑब्जेक्टिव पे, क्या निकलने वाला है। आप मेरे को, जो हम आपकी कंपनी में 750,000 रुपये इन्वेस्ट किए, उसके बदले में आप हमको क्या क्या दिए? हम आपकी कंपनी में 750,000 इन्वेस्ट किए, आप हमको अपनी कंपनी का इक्विटी शेयर दिए 1,500,000, तो वो तो आएगा। यस सर। उस तो ये रहा वो सेकिया आइटम, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यस सर। ये तो आएगा ही यहाँ पे, इसमें तो कोई बात नहीं। इसके अलावा आप हमको और क्या दियो? किरण एक बात बहुत अच्छा समझना, हम आपका होल्डिंग बना 1 अप्रैल को, उसके पहले भी तो आपका कंपनी था, उस पीरियड में भी तो कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। हाँ, उस प्रॉफिट का आज मान लो आज 1 अगस्त है, हम आपका होल्डिंग बना 1 अप्रैल 2024 को, आज है 7 जून। यस। आज के दिन आप डिविडेंड या बोनस डिक्लेयर की, डिविडेंड या बोनस शेयर्स आप डिक्लेयर की आज के दिन। यस बेटा जी, ये आप कौन से प्रॉफिट के अगेंस्ट में दे रहे हो? प्रीवियस ईयर। हाँ, आप 23-24 में जो प्रॉफिट कमाए थे, आप उसके अगेंस्ट में आज के दिन मेरे को डिविडेंड या बोनस दे रहे हो? यस सर। क्या ये मेरे हक का डिविडेंड या मेरे हक का बोनस है? सर अगर तभी शेयर्स थे तब तो हाँ। नहीं नहीं, हम तो बोल रहे हैं आपके 1 अप्रैल को ऑर्डर बनाए, हम आपका होल्डिंग करना है 1 अप्रैल 2024 को बनाए, आप 7 जून को बोनस या डिविडेंड दे रहे हो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे? नहीं नहीं है। नहीं। लेकिन मिलेगा तो मेरे को भी, क्योंकि कंपनी जिस दिन डिक्लेयर करता है डिविडेंड या बोनस, उस दिन जो शेयर होल्डर है उसको मिल जाते हैं। यस। तो ये मेरे फोकट का पैसा हो। हाँ। तो ये बोनस और डिविडेंड का बात यहाँ पे, डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, लेकिन हम उसको अपने पीएल में डाल दिया, या फिर बोनस रिसीव बाय होल्डिंग कंपनी फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी बट येट नॉट एडजस्टेड, ये दोनों मेरे को बिना हक का मिला ना। यस सर। ये मेरे इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को रिड्यूस करे। याद करो जब आप एक चैप्टर पढ़े थे इन्वेस्टमेंट कंपनी, यस सर, वहां पे हम करवाता था ना कि फ्री का कुछ भी मिले, फ्री का कुछ भी मिले वो मेरे कॉस्ट को कम कर देते। यस सर। यहाँ भी वही हो रहा है, ये डिविडेंड बोनस हमको फ्री का मिला ना। मान लो हमको आप 50,000 का डिविडेंड दिए, मान लो आप हमको 2,00,000 का बोनस शेयर, ठीक है, 6,00,000 का इक्विटी शेयर तो हमको मिला ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो अभी और इसके अलावा एक बात और, आपका ये जो प्री पीरियड का प्रॉफिट है, मेरे आने के पहले का प्रॉफिट, जो आपको इस स्टेटमेंट से कैलकुलेट करना हम सिखाएगा, ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट से, मेरे ज्वाइन करने के पहले का जो प्रॉफिट है आपका पीएल जनरल रिजर्व, उसको वो भी तो मेरे को फोकट का मिलेगा। यस सर। वो भी मेरे को या माइनस करना होगा, क्योंकि ये सब मेरे कॉस्ट को कम करते हैं। लेट से ये भी आप हमको 20,000 दिए, प्री पीरियड का जनरल रिजर्व और पीएल। यस सर। तो बेटा जी आप हमको कुल मिला के कितना का सामान दियो? 50,000 का डिविडेंड, 2,00,000 का बोनस शेयर, 6,00,000 का इक्विटी शेयर और 20,000 का प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट, प्री पीरियड का प्रॉफिट। यस। तो कुल मिला के आप हमको 2,06,28,00,000, 8,50,000, 8,70,000 का सामान दिए। ठीक बात। यस सर। हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना किए? 7,50,000। तो ये पर नेगेटिव फिगर आएगा कैपिटल रिजर्व। हाँ, क्योंकि हम आपको ज्यादा दे दिया ना, हम आपको कम दिया, आप हमको ज्यादा का सामान दिया। यस। तो ये कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। और यही आपके कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट 11,00,000 होता, मतलब आपका 7,000 शेयर हम 11,00,000 रुपया देकर खरीदे, 11,00,000 महीने 7,70,000, हम आपको ज्यादा दिए है ना, गुडविल आ गया। हाँ, तो ये गुडविल आ गया। तो ये बात समझ में आई? यस सर। वैसे अब अपने को निकालना है कंसोलिडेटेड पीएल और कंसोलिडेटेड जनरल। हम बोला है तो आपको 3 आइटम पे मेजर फोकस करने। यस। पहला क्लियर है?
गुडविल या कैपिटल जब कैसे निकलेगा? यस, थोड़ा मोड़ा एडजस्टमेंट का बात आएगा वो जब नेक्स्ट क्लास में आएगा तब। ओके, फिलहाल इतना क्लियर है जो बात की है? यस सर। अब अगले आइटम पे आ जाओ, कंसोलिडेटेड पीएल। मेरा खुद का पीएल तो है ना किरण, होल्डिंग कंपनी का पीएल तो है ना, वो लिखो। yes, प्लस मेरे को होल्डिंग बनने के बाद जो सब्सिडियरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उसका जो हिस्सा मिला वो तो मेरे हक का पैसा है ना। यस। देखो बेटा जी, होल्डिंग बनने के पहले का जो पैसा मिला था वो मेरे इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो भी मेरे को मिला वो मेरे इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया, क्योंकि yes, मेरे हक का नहीं था इसलिए कॉस्ट को कम किया। yes, लेकिन पोस्ट एक्विजिशन में जो भी मेरे को मिलेगा वो तो मेरे हक का है ना। सब्सिडियरी कंपनी के पास मेरे होल्डिंग बनने के बाद जो भी प्रॉफिट या जनरल रिजर्व है वो तो मेरे हक का है ना। yes, तो वो मेरे हक का, तो वो मेरे पीएल में ही जाएगा, मेरे जनरल रिजर्व में ही जाएगा। हाँ, तो देखो वही हुआ। तो ये देखो बैलेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी लिखा पहले। हाँ। अब यहाँ पे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, अब सब्सिडियरी कंपनी ऐड कर लिया। यस। होल्डिंग कंपनी को और भी कोई टाइप का गेन वेन हो तो वो भी ऐड कर लो, ठीक है? सर ये किस टाइप का गेन? अरे सब्सिडियरी कंपनी से कोई भी, होल्डिंग कंपनी को कोई भी डिविडेंड से इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है तो बाद में मिल रहा है ना। अच्छा, बाद में जो पोस्ट एक्विजिशन जो है तो मेरे हक का ही है ना। हाँ। तो वो ऐड कर लो। हाँ। अगर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है स्टॉक में, मेरा होल्डिंग कंपनी का सामान गया सब्सिडियरी कंपनी के पास, आप और हम होल्डिंग सब्सिडियरी आपस में बिजनेस डील भी तो करेंगे। यस सर। हम आपको सामान भेजा प्रॉफिट लगा के। हाँ, वो ये अनरियलाइज तो सर प्री एक्विजिशन के टाइम का या पोस्ट एक्विजिशन के टाइम का? अनरियलाइज प्रॉफिट 31 मार्च के दिन, होल्डिंग बनने के बाद, होल्डिंग बनने के बाद, होल्डिंग बनने के बाद। ओके, तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना बेटा जी। जब हम दोनों बैलेंस शीट को एक साथ ऐड करके लिख रहे हैं तो आपका स्टॉक मेरा स्टॉक तो एक ही हो गया। हाँ, यस। तो हम अपने स्टॉक में कैसे प्रॉफिट कमा लिए? लॉजिक है ना, क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं कि सर आगे जाके हम लोग एक कंबाइंड बैलेंस शीट बनाएंगे जहाँ सारा स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, बिल्डिंग, लैंड, मशीन, फर्नीचर, नॉन करेंट लाइबिलिटी सब ऐड कर देंगे। yes, तो ऐड करके जब कंबाइंड बैलेंस शीट बनाएंगे और उसमें दोनों का छुपा हुआ स्टॉक एक साथ ऐड होगा। ठीक बात? yes, और अगर कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हम अपने पीएल में डाल दिए, होल्डिंग सब्सिडियरी से जो भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वो तो क्या होना चाहिए? कॉस्ट से माइनस, इन्वेस्टमेंट से माइनस। यस सर। यस। लेकिन अगर गलती से यहाँ डाल दिए, अकाउंटेंट तुमको बोलेगा कि यू हैव रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीएल, तो यहाँ से हटा के वहाँ ले जाना है ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ से हटेगा वहाँ जाएगा। तो बेटा जी, अगर कोई आप हमको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पे मेरा हक है, वैसे ही पोस्ट एक्विजिशन लॉस भी पे मेरा ही हक होगा। हाँ, यस सर। तो वो भी माइनस होगा अगर होता तो। जनरली हम लोग को आज तक कोई सम मिला नहीं जिसमें सब्सिडी कंपनी में लॉस दिखाया हो, लेकिन अगर हो तो। अभी ऊपर सीखियो ना ये एक नंबर आइटम ऐड बैक करना। यस सर। तो यहाँ माइनस भी तो करोगे। तो ये होल्डिंग कंपनी का फाइनल वो पीएल आएगा जो कंसोलिडेटेड पीएल कहलाएगा और कंबाइंड बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है? यस। सिमिलरली बेटा, होल्डिंग कंपनी का खुद का कोई जनरल रिजर्व होगा और सब्सिडियरी कंपनी से जो पोस्ट एक्विजिशन के बाद जनरल रिजर्व का हिस्सा मिला वो ऐड कर देंगे, वो ऐड कर देंगे। तो ये क्लियर है? यस। अब आ जाओ उस एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट पे, क्योंकि एक बात बड़ा गजब बात पढ़ा के निकले हैं सर, एक ही आइटम का पूरा खेला है, वो है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना। ठीक बात? yes. वही निकालने में खेला देगा। एक एमआई वाला फॉर्मेट हम काल किया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला भी एक फॉर्मेट था। या नहीं लिखा?
कोई बात नहीं, हम आपको एक बोल के पढ़ाते हैं सर। उसमें नीचे था माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हाँ, इसी आपके रिटर्न नोट्स में। नहीं नहीं सुन लो एक बार, ऐसी कुछ नहीं है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग क्या होगा सर, जितना आप 6 लाख शेयर में से 6 लाख रुपए का शेयर, सॉरी 10 लाख रुपए के शेयर में से 6 लाख तो होल्डिंग का हो गया। हाँ। तो बाकी 4 लाख तो माइनॉरिटी का है ना। यस सर। तो वो शेयर कैपिटल प्लस माइनॉरिटी का जो भी प्री या पोस्ट का प्रॉफिट में हिस्सा बनता है। देखो होल्डिंग में जमेला था बेटा, प्री सीओसी में जा रहा था और पोस्ट कंसोलिडेटेड पीएल में जा रहा था। यस सर। लेकिन यहाँ कोई जमेला नहीं, माइनॉरिटी में दोनों ऐड कर। माइनॉरिटी के पास जितना शेयर कैपिटल है वो प्लस माइनॉरिटी को जो प्री और पोस्ट का पीएल मिला वो सब जोड़ लो, और सब जोड़ के एक साथ नॉन करंट लायबिलिटी में ले जाके लिख दो। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे ना वो नॉन करंट लायबिलिटी में लिख, क्योंकि ये अल्टीमेटली अब होल्डिंग का लायबिलिटी बन गया इन माइनॉरिटी वालों को पैसा दे। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आए नॉन करंट लायबिलिटी हिट के अंदर। बात क्लियर? यस सर। तो ये देखो, ये आपको यहाँ पे फॉर्मेट भी दिखाया, फॉर्मेट आप जानते ही हो। शेयर कैपिटल किसका आएगा खाली? ओनली होल्डिंग, ओनली होल्डिंग। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस को तो जनरली तौर पर पीएल तो आप निकालोगे वर्किंग से, तो जो कंसोलिडेटेड पीएल और कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व वो जोड़ के यहाँ आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तुमको देगा ना, लेकिन फॉर्मेट में है बस। ठीक है, ये देगा ना। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखो कहाँ है, बोले तो ना नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर अलग से। ठीक है, बाकी तो सर सिंपल है, दोनों कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग ऐड करके लिख दीजिए, दोनों कंपनी का डेफर टैक्स लायबिलिटी ऐड करके लिख दीजिए, दोनों कंपनी का अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दोनों कंपनी का अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरिंग ट्रेड पेएबल अदर करेंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन सब ऐड करके लिख दीजिए। दोनों कंपनी का फिक्स एसेट, हाँ गुडविल आएगा यहाँ पे नया गुडविल, या अगर गुडविल होगा तो यहाँ आएगा जो सीओसी से निकला है, और अगर कैपिटल रिजर्व होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। यस। उसके अलावा कोई भी इंटेंजिबल एसेट दोनों का ऐड करके लिख दीजिए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब ये काम का सुनना बात, इन्वेस्टमेंट ना जब आपको दोनों कंपनी का बैलेंस शीट देगा ना तो आपको होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट में एक चीज दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी बोलती yes, वो नहीं आएगा, उसको तो वहाँ पे कर लिया। हाँ, उसको तो वहाँ पे ऑलरेडी कर लिए ना, वैसे ही देखना। इसीलिए हम जब खाली शेयर कैपिटल बोला तो होल्डिंग का क्यों बोला, क्योंकि सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल तो आप माइनॉरिटी और होल्डिंग में वहाँ बांट ही दिए, तो दोबारा यहाँ क्यों आएगा। yes, वैसे ही ये जो इन्वेस्टमेंट, हाँ अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, सब्सिडियरी का अदर इन्वेस्टमेंट भी तो हो सकता है बाहर, होल्डिंग का भी तो अदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है बाहर। yes, वो ऐड करके लिखोगे, लेकिन होल्डिंग का जो सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ कुछ भी नहीं, वो रहेगा बैलेंस शीट में, उसको इग्नोर। बाकी आइटम ठीक है, सब ऐड कर करके लिखते हैं। yes. बात क्लियर? yes. इसलिए देखो यहाँ पे वर्किंग में ऐसे नोट में ऐसे दिखाया, देखो शेयर कैपिटल तो खाली होल्डिंग का लिया। ठीक है, लेकिन देखो कैपिटल रिजर्व में ये कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये सब लिया बैलेंस शीट इन पीएल। अब देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग में देखो कैसे लिखा, सबका जोड़ जोड़ के लिखते जाओ, बस सबका एड ऑन करके लिखते जाओ नोट में। ये देखो सिंडिकेटर में कैसे लिखा, एच का एस का दोनों, बिल्स पेबल का एच का एस का दोनों, करंट लायबिलिटी एच का एस का दोनों। ठीक है, yes. तो नोट में बस ऐसे सब जोड़ते जाओ और बैलेंस शीट में लिखते जाओ। यहाँ तक का मेन बात खत्म, अब आ जाओ उस एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट पे। ये क्या है,
ये मेरा हाथ का बनाया हुआ नोट इसीलिए है क्योंकि ये कोई बुक में नहीं मिलता। तो हमको मेरे टीचर ऐसे ही पढ़ाए थे, तो मैं अपने हाथ का नोट बना के ऐसे लिखती हूँ। देखो हम यहाँ क्या किया, प्री एक्विजिशन पीरियड का जो भी प्रॉफिट या जनरल रिजर्व सब एक ही साथ लिखा, लेकिन पोस्ट में देखो पोस्ट पीएल और पोस्ट रिजर्व को अलग अलग लिखा। मतलब सब्सिडियरी कंपनी का जो भी प्री जनरल रिजर्व है या जो भी प्री पीएल है उसको आप यहाँ पे एक साथ लिखो, अलग अलग हेड बना के। बात समझ में आया? हाँ यस। उसका या ये सिर्फ बनेगा सब्सिडियरी का फिगर्स का ही, इसमें होल्डिंग का कोई फिगर नहीं है, क्योंकि एनालिसिस किसका हो रहा है? सब्सिडियरी का। तो सब्सिडियरी का कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम, होल्डिंग बनने के पहले का कोई भी कैपिटल रिजर्व, कोई भी सीआरआर, कोई भी जनरल रिजर्व, वो सब लिख लोगे। जनरल रिजर्व में एक काम कर लेना, अगर सब्सिडियरी कोई बोनस शेयर दे रहा है, सब्सिडियरी कोई बोनस इशू कर रहा है, तो वो जनरल रिजर्व से माइनस करके ही लिख, क्योंकि प्री पीरियड से दे रहा है ना। हाँ यस। तो वो प्री पीरियड के जनरल या पीएल से माइनस होना चाहिए। हाँ। और यहाँ तो जनरल और पीएल को तुम एक ही साथ लिख रहे हो सर, लेकिन जब मैं वो एडजस्टमेंट के वहाँ पे लिखूंगी तब तो मुझे अलग अलग दिखाना पड़ेगा ना। हाँ यहाँ दिखाना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली हेड एक ही में जा रहे। हाँ ओके। वैसे ही जगह यहाँ पे प्री एप्लीकेशन पीएल लिखा, उसमें से लास्ट ईयर का कोई डिविडेंड, लास्ट ईयर का कोई रिवैल्यूएशन का लॉस, लास्ट ईयर का कोई प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन में तो ऐड, वो सब करके भी यहाँ लिख लिया। तो हम क्या किया सर, आप एक काम किए, आप प्री पीरियड के जितने रिजर्व्स थे जनरल रिजर्व में से बोनस माइनस करके लिख दिए, प्री पीरियड का जो भी पीएल था उसमें से लास्ट ईयर का कोई भी डिविडेंड या लॉस वॉस है तो माइनस करके लिख दिए, ठीक है। yes. ये एक टोटल आएगा, टोटल लेट्स से एक फिगर लेते हैं। देखो मान लो मेरा ये सब फिगर नहीं है, लेकिन प्री पीरियड का जनरल रिजर्व है 2 लाख, क्वेश्चन बता देगा डोंट वरी मेरे होल्डिंग बनने के पहले का जनरल रिजर्व कितना है, ठीक है। बात क्लियर है? हाँ सर यस। और मेरे को यहाँ बता देगा 50,000 का एक बार बोनस शेयर इश्यू किया है सब्सिडियरी कंपनी, तो अल्टीमेटली 1.5 लाख बचा। वैसे मेरे को बता रहा प्री पीरियड का पीएल मेरे होल्डिंग बनने के पहले सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट था 70,000 का, और उसमें से वो डिविडेंड बांटा है इस बार 20,000 का, और रिवैल्यूएशन में उसको एक एसेट से लॉस, मतलब ओवरऑल तो रिवैल्यूएशन में या प्रॉफिट या लॉस ही होगा ना, तो रिवैल्यूएशन से मान लो उसको लॉस भी हुआ 5,000 का, तो 70 में से 25 गया 45,000। ये हम लिख दिए, तो ये 1.5 लाख और ये 45 मिला के कितना आया? 1,95,000। अब इसका क्या करेंगे, इसको बांटेंगे होल्डिंग सब्सिडियरी दोनों में, परसेंटेज तो पता ही होगा। हाँ 60-40। मान लो एक बार के लिए 60-40 लेते हैं, मेरे वाला एग्जांपल वाला, तो 195 को 60-40 में बांटू, इनका 1,17,000। हाँ तो होल्डिंग में जा रहे 1,17,000, सब्सिडियरी में चला जाएगा माइनस कर लो 78,000 माइनॉरिटी में सर, ठीक है। तो ये वाला कहाँ जाएगा अब 1,17,000, इसको वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन में भेज दो, मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में भेज दो। और ये माइनॉरिटी वाला तो माइनॉरिटी में जाएगा ही। हाँ, ठीक बात। यस। प्रोसेस समझ में आया किरण? अभी हम एडजस्टमेंट पे बात नहीं कर रहे बेटा। यस समझ में। क्योंकि प्रॉफिट प्रोसेस याद नहीं होगा ना तो फिर ये चैप्टर कभी सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, हर बार गड़बड़ होगा। ठीक है? हाँ सर समझ में आया। पहले ऐसे पोस्ट एक्विजिशन प्री एक्विजिशन नहीं, पहले डिग्री ऑफ कंट्रोल निकाल लेंगे। हाँ, उसके बाद ही एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे पोस्ट का। सुन लो मेरा बात, प्री पोस्ट दोनों दोनों का दोनों का दोनों का। हाँ ठीक है, प्री इधर लिख के पोस्ट को बस इधर लिख के। हाँ ठीक है, फिर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। हाँ तो ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे प्री पोस्ट का। हाँ
फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कर लेंगे और फिर वो कंसोलिडेटेड पीएल और कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व बना के बैलेंस शीट बना। हाँ, और सर माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी का भी वहीं पे, वहीं पे। ओ, मतलब ठीक है, हाँ। तो आप देखो पोस्ट पीएल और पोस्ट जनरल रिजर्व का क्या होगा बेटा जी, आपको पता है कैसे देगा? आपको बताएगा एक बैलेंस शीट। देखो जैसे ये रहा क्वेश्चन, ये देखो आपको यहाँ एक बैलेंस शीट दी ना, आप यहाँ पे नीचे गौर करो, आपको ये क्या बता रहा है? देखो आपके होल्डिंग बनने के पहले प्रॉफिट कितना था? 1 लाख, है ना? Yes. तो ये 1 लाख आपको ऐसे ही जनरल रिजर्व बता देगा नीचे एडजस्टमेंट में, क्या आपके होल्डिंग बनने के पहले जनरल रिजर्व और पीएल कितना था। इस सब में जनरल रिजर्व नहीं है, पीएल ही है पहले, ठीक है? पिया को मिल गया ना प्री वाला फिगर। Yes. और अब देखो तुरंत बैलेंस शीट में इस बार का पीएल कितना है, सब्सिडियरी का देखना खाली, 180। मान लो एक बार और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो डिविडेंड 15 माइनस नहीं किए, तो क्या बोलते हैं आप? साल के स्टार्टिंग में 1 लाख नेट प्रॉफिट था, सरप्लस था, पीएल था, पीएल, और साल के एंडिंग में 180 है, तो इस साल कितना कमाए हो? 80। हाँ, लेकिन वो एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद वाला फिगर से कंपेयर करना है, ठीक है? हाँ, तो ये कंपेयर करके तुम ये पोस्ट पीएल निकाल लो। मेरा एनालिसिस पे आते हैं, ये सोचने से फिर मैं ईयर एंड में 180 लिख देती। हाँ, ठीक है ना? हाँ हाँ। अगर आपका साल के बिगनिंग में 1 लाख नेट प्रॉफिट है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हाँ, तो आपके एंडिंग में अगर हम बोलते हैं अब ईयर एंड पे मेरे पास 1,80,000 का नेट प्रॉफिट है, 1 लाख माइनस कर दूंगी। हाँ, तो आप क्या इस साल कितना कमाए मेरे होल्डिंग बनने के बाद? 80,000। कभी भी बेटा जी ये बहुत ही बचकाना मिस्टेक है, हम पहले बता देते हैं, सुन लो वो मिस्टेक, मेरे को लगता है आप नहीं करोगे कभी जिंदगी में, बट होने का उम्मीद रहता है। क्या है वो मिस्टेक? लोगों को क्या लगता है पता है? इस साल 1,80,000 कमाए, पीएल कभी भी ऐसे नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस पिछले साल से कंटिन्यूड होता चला जाता है। Yes. है ना, तभी तो बोलते ओपनिंग सरप्लस इतना, क्लोजिंग सरप्लस इतना। Yes. बात समझ में आया? हाँ, तो हमेशा वो डिफरेंस निकालना पड़ता है, कभी मत बोलते ना इस साल 1,80,000 कमाए, कोई पूछे अगर ये दो फिगर दिखा के इस साल कितना कमाए, बोलो 80,000 कमाए, तो 80,000 आ जाएगा पोस्ट पीएल में। हाँ, वैसे ही पोस्ट रिजर्व भी निकल जाएगा। सर एक चीज मुझे इससे रिलेटेड नहीं है बट ऐसे आपने बोला तो मुझे याद आया, हम लोग फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे ना इकोनॉमिक्स में, तो सर पीएल क्या फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ उस अकॉर्डिंग? पीएल फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ, पीएल पूरे साल का होता है, एक दिन का नहीं होता, सिर्फ बैलेंस शीट स्टॉक कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट स्टॉक कॉन्सेप्ट है। 31 मार्च के दिन मेरे पास इतना डेटा है, स्टॉक मतलब होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, Yes. और फ्लो का मतलब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? Yes. हाँ, अब क्या करेंगे, बैक टू द टॉपिक सर, अपने ये जो पोस्ट जनरल रिजर्व और पोस्ट पीएल आया, अब इसको भी बांटेंगे होल्डिंग और माइनॉरिटी में। होल्डिंग वाला तो चला जाएगा कंसोलिडेटेड पीएल में, होल्डिंग वाला पीएल चला जाएगा पोस्ट पीएल कंसोलिडेटेड पीएल में, और माइनॉरिटी चला जाएगा उसके स्टेटमेंट में, इसीलिए तो माइनॉरिटी में प्री हो या पोस्ट सब एक ही जगह चला जाएगा। Yes. लेकिन होल्डिंग वाला में प्री वाला जा रहा है सीओसी में, और पोस्ट वाला जा रहा है पोस्ट जर्नलिज्म कंसोलिडेटेड पीएल और कंसोलिडेटेड जर्नलिज्म। Yes. बात है ना? हाँ. वैसे ही आप ये जर्नलिज्म को भी करो, पोस्ट जर्नलिज्म को, होल्डिंग वाला तो चला जाएगा कंसोलिडेटेड जर्नलिज्म में, और माइनॉरिटी चला जाएगा उसके स्टेटमेंट ऑफ एमआई में। Yes. इसीलिए हम हाथ से लिख के चिपकाया, मतलब पीडीएफ जब हम बनाया ना, हम पहले बुक से इतना सा पीडीएफ उठाया, फिर एक पेज अपने कॉपी का पीडीएफ बनाया मोबाइल से, फिर दोबारा इसको अटैच करके ऐसे ही किया। बुक का वर्किंग बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं तो अकाउंट्स का बुक लेती नहीं। हाँ, क्योंकि बुक का वर्किंग बहुत ही गंदा है। हाँ, लेकिन यहाँ क्या नाम ब्रेकअप ब्रेकअप करके हाथ से लिख दिया, कौन सा फिगर किधर जा रहा है। हाँ,
हाँ तो क्योंकि लोग इसी में ब्लंडर करते हैं, होल्डिंग वाला प्री कहाँ जाएगा, लोगों को लगता है पीएल ही होता है, पीएल में डाल वहां हो गया ब्लंडर। होल्डिंग वाला प्री हक का पीएल नहीं है ना, तो वो प्रॉफिट की तरह रिकॉर्ड नहीं होगा, वो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा, कम कर दे। हाँ माइनॉरिटी का सारा एक ही में जा रहा है माइनॉरिटी स्टेटमेंट, और होल्डिंग का जो पोस्ट पीएल या पोस्ट जनरल रिजर्व है वो उसके कंसोलिडेटेड पीएल या कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि वो उसके हक का पैसा है। मेरे होल्डिंग बनने के बाद सब्सिडी जो कमाया और हमको दे रहा है उसमें हिस्सा, वो मेरे हक का पैसा है, वो मेरे प्रॉफिट लॉस में जाएगा। इसीलिए जब यहाँ बोला ना कि डिविडेंड या बोनस होल्डिंग कंपनी गलती से अपने पीएल में डाल दी है, तो वहां से माइनस करके आपको सीओसी में लाना पड़ेगा, तो आपको सम पढ़ते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सम बोल रहा है ना बाई मिस्टेक किया है, अच्छा सम साइलेंट रहा तो क्या मानेंगे कि जहां से करना था वहीं क्या? नहीं, सम साइलेंट रहा तो मानेंगे मिस्टेक किया है, क्योंकि अगर सम साइलेंट रहा बेटा तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो क्वेश्चन ही क्यों है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा सॉल्यूशन करने के लिए ना, कि कुछ नहीं करने के लिए, ये बात दिमाग में रखना। सम साइलेंट है तो आप नीचे नोट देकर आ जाना, वी आर एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज रॉन्गली चार्ज टू पीएल, सो वी विल डिलीट फ्रॉम देयर एंड वी विल ऐड टू और वी विल द इंपैक्ट इन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर सिर्फ डिविडेंड का डिटेल्स बताया और ये नहीं बताया कि राइटली एडजस्टेड या रॉन्गली क्रेडिटेड, एक बात ये है पूरा पूरा होल्डिंग का फॉर्मेट। जैसे अब एक सम दिखा देते हैं आपको। सर उससे पहले मैं एक चीज पूछूं आपसे? बोलो। वो ना इंटरनल्स में, चलो फटाक से एक सम देखते। देखो अपने को यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 19 जो है वहाँ पे बता रहा है बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दिया हुआ है, एच होल्डिंग और एस सब्सिडियरी। आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है दोनों का, बैलेंस शीट को हम नहीं पढ़ रहा है, बट बैलेंस शीट में पढ़ने लायक आइटम ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, हम आपका मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी का 3000 शेयर एक्वायर किए हैं 30 सितंबर 2019 को, मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन, ठीक। इतने रुपए में खरीदा, 3 लाख का शेयर 4.80 में लिए। होल्डिंग का टोटल शेयर है, सब्सिडियरी का टोटल इक्विटी शेयर है कितना? 100 रुपए का 4,04,000। ये रहा 4 लाख है, तो 40,000 शेयर में 30,000 शेयर ये ले लिया, तो परसेंटेज निकाल लोगे सबसे पहले तो? सर 4,000 शेयर ना? हाँ, 30,000 बाई 40,000 इंटू 100 करो, सॉरी 3,000 बाई 4,000 × 100 3/4 75% ठीक है। तो ये एक जन पहले काम आ गया, पहला काम खत्म हो गया। अब आपको पूरा बैलेंस शीट में और अभी कुछ पढ़ने को नहीं है, पहले पहले हाँ एक चीज बोल रहा हूँ, 30 सितंबर को होल्डिंग बना और यहाँ जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपको 1/4/2019 का। ये बैलेंस शीट भी कब का है? 31/3/20 का। देखते नीचे नीचे क्या दिए, अरे नीचे आपको बता रहा है आपका 1/4 ओपनिंग का पीएल कितना है, आपका जब 1 लाख था बाद में 1.80 हुआ है। हाँ। यहाँ पे देखो पहले भाई 3/4 निकाला, 3/4 मतलब 75% और 1/4 हो गया माइनॉरिटी का, मतलब 25%। Yes. अब आपको एडजस्टमेंट में क्या दिया, वो एडजस्टमेंट तो अभी अपने सीखे नहीं है, रुक जाओ तब नेक्स्ट क्लास में सम्स को पिक करेंगे, पहले आप फॉर्मेट को गो थ्रू कर लो। कर सकते मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं बेटा, वो थोड़ा थोड़ा का कहानी मत करो, अपने एक कंबाइंड हम पहला एक क्लास हमको पूरा लगेगा जिसमें 6 से 7 एडजस्टमेंट है जो पूरा बताना है आपके। हम वो समरी बना के रखा है कि सारा एडजस्टमेंट क्या है ये रहा। सर तब तो होल्डिंग कंपनी का सम पूरा कर सकते हैं। मतलब आपने बोला था ना 80% होगा, क्या होगा सर आपने बोला था ना होल्डिंग कंपनी का सम ऐसे 80% होगा, पूरा करना थोड़ा मुश्किल।